टाइगर। हेलो सर एवरीवन, माय नेम इज टाइगर, आई एम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। मैं मुंबई में रह रहा हूँ, वर्सोवा में रहता हूँ। तो अभी मैं इंट्रो दे आपके लिए आ रहा हूँ यहाँ पे अपना टैलेंट दिखाने के लिए। ओके भाई, बोलने दो ब्रो। आपका नंबर आएगा विशु। मुझ में जोश है, मैं पागल हूँ, सीधा बोलता हूँ मैं मुंह पे। मैं दूसरों की तरफ नहीं आके मुझे बीक में ले लो, नहीं मुझ में टैलेंट है, ले लो मुझे, नहीं है तो मत लो। इस रोलीज को जीतने के लिए मैं जान लगा दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस वादा आपसे, ये मेरा वादा है, ये मैं लिख के दे रहा हूं। अगर मैं जीता नहीं, चैलेंज करता हूं यहाँ पे, मगर मुझे टैलेंट चाहिए, मुझे रास्ता दिखाने वाला बंदा चाहिए। ओके टाइगर। ओके सर, अभी विशु की टर्न है। यो नमस्कार, मेरा नाम विशु बजाज, 23 इयर्स ओल्ड, दिल्ली से हूँ। मैं रैपर, बीट बॉक्सर और डांसर हूँ। इस साल मैं अपना बदला लेने आया हूँ, मतलब खुद से, अपने दोस्तों से और अपने घर वालों से, बट इन अ पॉजिटिव वे। मतलब मैं पिछले साल आया था, सर को पता है, प्रिंस सर को, इट्स लाइक उन्होंने मेरे को काफ़ी कुछ समझाया था। बदला मैंने इसलिए लेना है, जब आप सेलेक्ट नहीं होते ना, तब तुम्हें घर जाके ना, इट्स लाइक सिर्फ टॉन्ट्स मिलते हैं कि भाई तेरे से कुछ नहीं होना, तू खोटा सिक्का है। तो मतलब इस बार यही प्रूव करने आया हूँ कि ये खोटा सिक्का ही बाजी लेके जाएगा। आई एम अ रैपर, तो मैंने इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे भी एक रैप लिख रखा है। सुना दे। तो सुना दे। रैप का नाम है बदला। ये बदले की भावना जो रख ली जो दिल में, बदले से डर के जो छुप गए बिल में, मेरी कलम पे लगी रफ्तार, तो कर दूंगा हर दो खेल में, भिड़ने से पहले तो सोचियो भाई, बिन हाथ उठाए मैंने लाशें बिछाई, मेरी लड़ाई मेरी खुद की कमाई, मैंने एक ही गाने से पूरी जनता बनाई। आ मुझे तो बदला लेना उन लोगों ने जिन्होंने मेरे ख्वाबों को दबोचा है, ऐसे तो लोग मेरे दिमाग में धब्बा है कानून अंधा है, पेले के रख देंगे शब्दों की दौड़ में, शेक के रख देंगे ज्वाला की नोक पे, शोक से लोग यहाँ पीटते, यहाँ हम पेल के रख देंगे कलम की नोक पे। Nice, yeah, nice, very nice. Thank you. अच्छा है। तो लगता है टाइगर से फिट है। मेरे को इससे कोई कंपैरिजन नहीं है। मेरी पर्सनालिटी अलग है, इसकी पर्सनालिटी अलग है। अच्छा तू टाइगर को किस चीज में हरा सकता है बता दे। टाइगर को आप बीट बॉक्सिंग करवा लो, ये नहीं कर पाएगा। फ्रीट बैट मेरे तो कभी की नहीं, जो चीजें मैं सीधे मुंह पे बोलता हूं। फिटनेस करिए, मैं फिटनेस भी कर रहा हूं बीट बॉक्सर। मेरे भाई मैं बीट बॉक्सिंग करता हूं, फिटनेस करता हूं, सिंगिंग करता हूं, क्या 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 करवाएगा। मैं एंटरटेन कर सकता हूं, एक्टर हूं, एक्टर हूं मैं। Yes, सर के लिए मैंने हॉलीवुड फिल्म लास्ट टाइम पे। तो भाई दे दे ना सर को रोल, दे ट्रैक्टर साहब। ओ ट्रैक्टर साहब, ट्रैक्टर साहब। अच्छा यार बस हो गया, बस हो गया। तुम बहस कर रहे हो। अबे मेंढक की शक्ल के फटे हुए ढोल। अरे आवाज है मेरे अंदर, ये सब हरकतें नहीं होती है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, बस दिमाग का दही बना दिया है। ये करके दिखा, ये करके दिखा, करके दिखा मेरे साथ। आजा, स्टैंड करता हूं मैं, बीच वाले से कूदता हूं मैं, दिखा रहा है बस फालतू बकवास यहां पे। आपके पीछे बॉक्स है, उसके अंदर वाइल्ड स्टोन का डिओडोरेंट है, जाके निकालो और सामने पुशअप्स करो। हाँ हाँ, अभी आजा। ये क्या पुशअप करेगा, खाली बात करो। जो मेरे को करना होगा वो मैं करके दिखा दूंगा भाई। कुछ नहीं कर सकता ब्रो। सर कुछ भी करो सर। ब्रो तू मुझे जीत नहीं पाएगा। कर लूं सर, कर लूं, पावर है मेरे पास, कर लूं। कर ले, इसके बाद तू कर ले। समझ में आया ना तेरे को, शेर हूं मैं, शेर। अबे शेर नहीं है तू, बिल्ला है, बिल्ला। समझ में आया ना, तू कुछ भी नहीं कर सकता है। अरे छोड़ ब्रो, ये तू कुछ नहीं कर सकता है। दूसरों की बिल्ली है तू, फालतू कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इधर देख, इधर इधर, ये करके दिखा, हिम्मत है तेरी, ये कर, कर, ये कर, कर 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 कर, ये कर, कर भाई कर, इधर देख, कर, हिम्मत बोलता है। मैं मारता हूँ 100 पुशअप, तू 100 पुशअप मार, एक मिनट में मान जाऊंगा तेरे को। ये सस्ते वाले पुशअप मार रहा है, सस्ते वाले पुशअप, ऐसा करके दिखा। देख करके दिखा, ये करके देख बेटा, ये ले सुन, अब सस्ते पुशअप मार रहा है। हाँ हो, इधर पैर, इधर रख, इधर इधर, ऐसा नहीं होता, यहाँ रख। हाथ मत लगा, चीट करना नहीं आता। समझ रहे तू, समझ में आता मेरे को, हाथ मत लगा, हाथ। अरे छोड़ ब्रो। ओए 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 ओए,
मुझसे मुकाबला करे, जीते मुकाबले में। अबे एक चीज कर दूंगा ना, एक चीज नहीं करेगा कि नहीं तू खाली स्मेल सिर्फ। अरे खतरनाक यार बंदा यार ये लोग करके देख ऊपर। अबे जा तू पजामा उतार, तेरी डुए पे वीजा लगाऊं वापस जा कैलिफोर्निया। इधर देख। हां ठीक है, बस 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 नीचे आ जा, नीचे आ जा और नीचे आ जा। ये क्या कर रहा है, वहीं से फ्लाइट पकड़। छोड़ ना, अबे फ्लाइट पकड़, वहीं से जा जल्दी। चल तेरी जुरत तो फिटनेस बोलता है, फिटनेस करेगा तू। अबे चुप, दम है शेर बेटा, क्रिमिनल शेर नहीं होते। हां ठीक है, समझ में आया, बहुत बढ़िया। तू क्या हराएगा मुझे? हां ठीक है ठीक है ठीक है, चल। ओके गाइस, लिसन 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 लिसन, टाइगर आप बहुत इम्प्रेसिव हो, आपने जो भी किया सब बढ़िया है, एक्सेप्ट द वे यू टॉक और आपकी जो गति है बहुत तेज है। कह रहे थैंक यू, इसमें क्या, इसमें क्या थैंक यू। जो भी आपने की मैं अप्रिशिएट करता हूं। सुन रहा हूं सुन तो लो। क्या रोडीज में आने के लिए सुनना बहुत जरूरी है, अगर आप ही सुनाओगे तो हमारा भी दिमाग खराब हो जाएगा, है ना? तो यू हैव टू बी, या दिमाग थोड़ा सा आपका चलना चाहिए वहाँ पे। ओके, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। जी सर। आप मुझे बताइए कि सोलर सिस्टम का तीसरा प्लैनेट कौन सा है? सर मैंने पढ़ाई की नहीं, पढ़ाई की। सोलर सिस्टम का तीसरा प्लैनेट कौन सा है? फिर तो ये चांदी होगा, चांदी होगा सर। इसने इंटेलिजेंस में हम लोग को 10 नंबर दिए हुए हैं। विशु आपको पता है? प्रोबेबली वीनस और मार्स, मार्स और वीनस। रमेश के डैडी के अगर तीन बच्चे हैं, ठीक है, एक का नाम है रोहित, एक का नाम है सोहित। रोहित सोहित। हाँ, तो तीसरे बच्चे का नाम क्या होगा? मोहित। रमेश 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 के किसके? रमेश रमेश ना भाई, सुनना अगर यार तू। ठीक है सुन लिया, तो तूने बोल देना तो बस ठीक है ना। ये दिखाता रहा तू, दिखाता रहा। अच्छा विशु आप बताना मुझे, आपने आपके फॉर्म में लिखा है, आपने कहा है सन और डिजर्टेड आइलैंड में द गैंग लीडर, हु वुड यू पिक? रिया चक्रवर्ती ऑब्वियसली बिकॉज आई एम ऑब्सेस्ड विद हर आईज, लिप्स आल्सो, ट्राई टू इंप्रेस हर विद माय स्किल्स टू बी माय गर्लफ्रेंड। ये बकवास करने के अलावा क्या स्किल्स है आपके पास? इट्स जस्ट द वे टू इंप्रेस यू, दैट्स इट। मैं नहीं होती ऐसे इंप्रेस लॉन्डो से जो सी बकवास लिखते हैं। मैम बस वो कॉन्वर्सेशन है कि मैं आपको कॉन्वर्सेशन, ऐसी कॉन्वर्सेशन ना मेरे पे चलेंगी ना दूसरी लड़कियों पे, किसी पे भी नहीं। अपनी गेम इंप्रूव कर ले और अपनी लाइफ के स्किल्स भी इंप्रूव कर ले ये सब लिखने से पहले। बी नाइस टू वुमेन, ओके? ठीक है ना, अच्छे इंसान बनोगे ना तो दुनिया रिस्पेक्ट करेगी। तो मेरे लिए तो सॉरी। आपने एक और चीज लिखी है, रोको भाई, थ्री टाइप्स ऑफ पीपल हु डिस्कस्ड यू, उसमें आपने निखिल चनप्पा का नाम लिखा है। हाँ जी। कौन है? क्या हुए? कौन है तू? सर सिर्फ उसका भी रीजन है, मैंने सिर्फ नाम लिखा है, उसका रीजन है मेरे पास। अच्छा तो तू मेरे लिए भी बोलेगा फिर इसका मतलब? नहीं नहीं, रीजन बता, रीजन बता रीजन। पिछली बार जब मैं ऑडिशन में आया था, हाँ, इट वॉज जस्ट लाइक उनकी और मेरी कॉन्वर्सेशन अच्छी नहीं रही, जैसे हमारी नहीं रही है। तो अगली बार मेरा नाम लिखेगा और देखो लगेगा तो सिलेक्ट हो जाएगा। सर मेरी भी नहीं रही थी बहुत सर, नहीं हूं मैं मैम जिसको तू गर्लफ्रेंड बनाने चला था, वो वाली मैम। मैम सिर्फ इंप्रेस के लिए बोला था, मैंने इंप्रेस के लिए बोला था। ऐसी क्या बातें कर रहे हैं, तू खोटा सिक्का ही रहेगा जिंदगी भर, तेरे घर वाले कहते हैं तुझे। सर बात तो सुन लो एक बार, सर निखिल सर के लिए मैंने कुछ ये नहीं लिखा कि मैं उनको कुछ ऐसा करूं, मैंने उनको मैसेज कर रखा है जो जिस बात पे उन्होंने मेरे को गलत प्रूफ करा था उनको मैंने राइट प्रूफ करा है, अभी मैं इंस्टाग्राम खोल के दिखा दूंगा। मेरी बात सुन, तेरे को पहले घंटी देता हूँ मैं, ठीक है ना? वो बंदे हैं जिन्होंने ये शो में ना पहले सीजन से काम किया है, ठीक है, ठीक है, वो शो को यहाँ तक लेकर आए हैं, तो तू उनको जज कर रहा है जो कर रहा है। सर सिर्फ एक बात के लिए मैंने बोला था कि तू फिटनेस में कम है, बाकी तू सही है, थोड़ा एंटरटेनमेंट में कम है। दिमाग अभी तो एक नंबर का फुद्दू आदमी बन चुका है। अभी अगली बार आई हो मेरे बारे में भी गलत लिखियो, लिखियो। सर उनको मैंने गलत प्रूफ करा इसलिए लिखा, मैंने प्रूफ ना होता ना मैं लिखता भी ना, मेरा प्रूफ था तभी मैंने लिखा। कि इज डिसगस्टिंग सर, क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है, जवाब क्या दे रहे हो आप? भाई मेरी तरफ से तो खत्म है, अगर तो मेरे सीनियर्स की नहीं रिस्पेक्ट कर सकता तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। हम लोग को ना बहुत दूर से सूख जाती है कोई डिसऑनेस्टी कर रहा था, ज्यादा कूल बन रहा होता है,
तो ओवर स्मार्टनेस की यहाँ जगह नहीं है, अगली बार हमारा नाम भी लिख दियो फॉर्म में, चल निकल। थैंक्स। मैं हो सकता हूँ टाइप राइटिंग में गलत हूँ, ठीक है, जो मेरे कहने का मतलब। पूरा दरवाजा निकल जाए, इससे पहले मैं उठूंगा और वो देख, वो पीछे दरवाजा निकल जाए। ठीक है सर, निकल जाए। हो गया यार, हो गया हमारा। चलो विशु, biggest lesson that you have to learn from this experience is, वो ये है कि चाहे तू इंटरव्यू में जाए किसी की जॉब की, चाहे किसी शो में जाए, जीतना जरूरी है, लेकिन जो तू है उसके बल पे जीतना, जो तू नहीं है वो बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो रास्ता लंबा नहीं होगा, वो टूट जाएगा, है ना? बिल्कुल। थैंक यू, टेक केयर। थैंक यू। टाइगर। यस सर। कितना जरूरी है तेरे लिए रोडीज में आना? सर मेरे को जीतना है, मेरे पास समझ में नहीं आ रहा सर, मैं आपको बता रहा हूँ सर, मैंने उस दिन देख टाइगर, जो एनर्जी होती है ना तेरे अंदर, एनर्जी है ना तेरे अंदर, एनर्जी है, लेकिन वो सही दिशा में लगनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। सर मुझे तो पता है, मेरे को पता नहीं है सर, गाइडेंस नहीं मेरे अंदर। क्या लगता है यार टाइगर? मुझे लगता है तेरे में बहुत जोश है, जान है, जज्बा है, लेकिन तू जोश तेरे को यूज कर रहा है, तू जोश को नहीं यूज कर रहा है। तो आप किस लिए हो मैम? आप किस लिए? आप मुझे तू रस्सी चढ़ा मैं देखो आधे रास्ते बोला रुक जा रुक जा, तू ऊपर तक गया। तो सुनता है? नहीं है, बिल्कुल नहीं सुनता है, तो इसलिए मेरे लिए सॉरी। मेरे पे जुनून है, जज्बा है, जितने जुनून जो है आपके अंदर टाइगर जी सर है तो खतरनाक। ओके, नो डाउट। क्या है, आप हैं गतिदेव, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मेरी वजह से आपकी इज्जत और आपका कद दोनों काम होंगे। आप सुनते भी नहीं सर, ना आप रुकते हैं, ना आप सुनते हैं, और ना ही आप किसी की सुनेंगे। थोड़ा सा बीमार हूँ मैं, इसकी वजह से नहीं सच बोल रहा हूँ मैं, वरना इतना बीमार में लोग कम बोलते, तू ज़्यादा बोल रहा है। सर मैं जोश है मुझे जीतने का, बीमार में ऐसा है तो मुंह की सफाई, शुक्र है बीमार है, अगर तू बीमार ना होता तो हमें जाना पड़ता। क्या लगता है, क्या डिसीजन लो भाई? मेरे लिए तो नहीं है। टाइगर तीनों रेड लाइट्स हैं दोस्त, तेरे अंदर एक बहुत अलग तरह की एनर्जी है जो बहुत लोगों के अंदर नहीं होती, ठीक है, अलग ताकत है, लेकिन वो ताकत सही दिशा में लगनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वो गलत दिशा में लग गई तो नुकसान करेगी, आसपास वालों को लगता होगा यार ये झगड़ा तो नहीं कर लेगा, ये लड़ तो नहीं पड़ेगा, ये कुछ बोल तो नहीं देगा, ये तो कुछ पंगा तो नहीं कर देगा। वो कभी भी फीलिंग नहीं आनी चाहिए, खासकर इंडस्ट्री में आप एक्टर हो। यस सर। ऐसे एक्टर मैं जब फिल्में शुरू करता था ना, मेरे सेट पर पता भी नहीं होता मैं कहाँ बैठा हूँ, चाहे मैं मेन लीड करता हूँ, मैं बैठता पीछे था एकदम, पता नहीं लगता, लोग बोलते यार किधर गया, हाँ आ जा पीछे शॉट दे दे। सो दैट शुड बी योर पास, आराम से चुप, जब मुझे एनर्जी दिखाओगे मैं एनर्जी दिखाऊंगा और मैं जाके आराम से पीछे वाले बेंच पे बैठ जाऊंगा। वो तेरे को एनर्जी करानी, क्योंकि तेरे अंदर सब कुछ है, सिर्फ तेरी एनर्जी चैनलाइज करनी जरूरी है। सही। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, फिर से आऊंगा वापस।